यरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयि संवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् சර්വමංങල්മංങල්യംസර්വ කල්්‍යണකාരකംപ්‍රධ. ඒසസුරസුරමണසින්വදිදම්දෝදകයිකම්മമළം පළമමിവඩ්ඩமானනும் तित्थं धम्मस्तकतारं शेसे पुणुतित्थय रे स सर्वसिद्धे विशुद्धसभावे समणेयणानदंशन् तव विर्यायारे ते ते सौवे समगं समगं प्रत्येगमेव प्रत्येगम् वन्दामियवट्टन्ते अर्हन्ते माणुषे खित्ते किा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तर्णमोयगणहराणम् अज्जावयवग्राणं सा उणं चैव स वेसिं तेसिं विशुद्धदंशन् नान पहाना समम जत्तो निर्माण साम्पत्ति प्रवचन जी ग्रंथ इसकी सुबह हमने इसकी भूमिका बांधी थी अब अपन विषय को प्रारंभ करते हैं इसमें प्रथम अधिकार जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है उसके अंतर्गत सर्वज्ञता की सिद्धि की गई है इन प्रश्न शिष्य का कि हमें ज्ञान से क्या प्रयोजन हमें तो सुख से मतलब है हम तो सुखी होने के लिए इस मार्ग में आए हैं तो उसकी जो उत्थानिका है उत्थानिका में आचार्य ने कहा कि अब हम ज्ञान से अभेद सुख का वर्णन करते हैं अर्थात जिस ज्ञान का वर्णन हमने किया है सुख उससे कोई भिन्न नहीं है ये जो ज्ञान है केवल ज्ञान यही सुख स्वरूप है अब वो कैसे सुख स्वरूप है ये आप हमें समझाइए तो उसको आगे यहां पर समझाते हैं देखो इसमें आप सबसे पहले पहले उत्थानिका निकालिए गाथा नंबर त्रेपन की उत्थानिका जस्ट इसके नीचे देखो थोड़ा सा नीचे लेना उसके इस, ऊपर मतलब इसके आगे का विषय हिंदी में ले लो या जिन लोगों की गुजराती में हो वो गुजराती में देखते अथ ज्ञात अभिन्न से सौख्य स्वरूपम प्रपंचयन अब ज्ञान से अभिन्न सुख के स्वरूप का प्रपंचन माने विस्तार करते हुए वर्णन करते हुए प्रपंच माने विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए अब ज्ञान से अभिन्न सुख के स्वरूप का विस्तार से वर्णन करते हुए ज्ञान और सुख की हे और उपाधेय का चिंतन करते हैं नीचे हिंदी दिखा संख्या नाइन्टी नाइन्टी मेरी हिंदी में।, में। हिंदी में नाइन्टी है गुजराती मा कटल गुजराती में नाइंटी नीचे नीचे और थोड़ा सा नीचे ले लो भैया इसके और नीचे नहीं नहीं ऊपर मतलब हाँ ये देखो अब नीचे ही नीचे का पैराग्राफ देखो क्या लिखा है अब ज्ञान से अभिन्न माने सुख जो है वो ज्ञान से भिन्न नहीं है सुख है वो ज्ञान से अभिन्न ही है अब ज्ञान से अभिन्न सुख का स्वरूप विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए विस्तार से कथन करेंगे अब ज्ञान और सुख की हे उपादेता का अर्थात कौन सा ज्ञान तथा सुख हे है, है और कौन सा उपादे है वह विचार करते हैं अब क्या है ज्ञान और सुख का वर्णन करेंगे तो अब ज्ञान और सुख भी दो प्रकार के हैं अब कौन से वो दो प्रकार के उनके नाम बताएंगे और ये बताएंगे उसमें क्या है, है और क्या उपाधे क्योंकि जब भी अपन किसी से बात करें कि भाई हम सुख की बात बता रहे हैं तो लोग कहते हैं सुख की बात बताने की उसको जिनवाणी की क्या आवश्यकता है सुख की बात जानने की आवश्यकता क्या है क्या सुख का स्वरूप हमको मालूम नहीं है हम सब जानते हैं सुखी कैसे होना है क्यों पहला सुख निरोगी काया <laughs> दूजी हो घर में माया <laughs> और तीजी रूपपंथी नारी और चौथा आज्ञाकारी पुत्र तो इसलिए ये सुख की स्वरूप बताने की आपको हमको जरूरत नहीं है हमको मालूम है सुख क्या है तो कहते नहीं अभी तुम्हें वास्तविक सुख का बोध नहीं है तो इसलिए अपन पहले सुख क्या है सुख कितने प्रकार का होता है ज्ञान कितने प्रकार का होता है उनमें कौन उपादे है और कौन है है ये सब बातों का अपन पहले विचार करेंगे देखो कोई भी चीज के कोई भी चीज़ के भागने के पीछे भागने के पहले हम पहले विचार करेंगे कि नहीं कि जिसके पीछे हम भाग रहे हैं उसमें कोई तथ्य भी है कि नहीं है कि बस भागेंगे भाग जा जा बुला ला किसको बुला के ला जिंदगी भर जिसके पीछे हम अपनी शक्ति लगाने को लगाने के लिए तैयार है पहले हम ये विचार तो करें कि वो वास्तव में ग्रहण करने लायक है भी कि नहीं है इसलिए पहले अपन ज्ञान और सुख क्या क्या कितने प्रकार का है और उन ज्ञान और सुख में हे उपाधेय पने का विचार करते हैं कि उनमें क्या छोड़ने लायक है और क्या ग्रहण करने लायक है अब ये गाथा है देखो ये बहुत बढ़िया इस अधिकार की विषय वस्तु का वर्णन करने वाली ये गाथा है माने इस ये अधिकार की ये जो ये जो सबसे पहली गाथा है ये इस पूरे अधिकार की विषय वस्तु को बतलाती है और साथ में ये ये कहती है कि भाई हमें अपने जीवन का निर्णय करना है कि हमें किसको चुनना है अभी दो पार्टियां खड़ी करेंगे और उन पार्टियों में से हमें निर्णय करना है कि हमें किस पार्टी को वोट देना है देखो मैं पढ़ता हूँ गाथा अत्थी अमुत्तम उत्तम थीय उतम उत्तम च अथेसु चथेषु अदींद्रिय इंद्रि चथेषु नाणम चहासोखम जमतेसु परम च परमेय जम परम च तमणेय अथि माने अस्तित्व है किसका अस्तित्व है अति अमूत्तम उत्तम अमूर्त का और मूर्त का इनका अस्तित्व है अब अमूर्त और मूर्त शब्द कठिन लग रहे हो तो अध्यम इंदियम, अध्यम माने अत ये ऊपर नहीं, ऊपर ले थोड़ा सा ऊपर प्राकृत में ऊपर है ना हाँ ऊपर ऊपर और ऊपर गाथा ये अति अमुत्तम मुत्तम अस्तित्व है अमूर्त का और मूर्त का अमूर्त और मूर्त को दूसरे शब्द दिए अदिनियम इंदियम अमूर्त माने और मूर्त माने इंद्री तो अमूर्त कहो चाहे अत कहो एक ही बात है मूर्त कहो या इंद्री कहो एक ही बात है अत्थेसु च अत्थेसु अत्थेसु माने पदार्थ संबंधी पदार्थ संबंधी क्या नाणम ज्ञान च माने और तहा माने उसी प्रकार शोखम माने सुख पदार्थ संबंधी ज्ञान तथा सुख वो अमूर्त और मूर्त अथवा अत और इंद्री ऐसे दो प्रकार का होता है क्या कह रहे हैं ज्ञान और सुख दो प्रकार का होता है एक ज्ञान होता है अत और एक ज्ञान है इंद्री ऐसे ही सुख भी दो प्रकार का है और इंद्री तो जिस सुख से तुम परिचित हो वो सुख कौन सा है इंद्री और हम जिस सुख की यहाँ बात कर रहे हैं वो है अत अब सबके चित्त में यह है कि भाई जो सुख है वो तो अत सुख है वो इंद्री सुखी सुख है और वही उपाधेय है इसलिए उसमें विचार करने की क्या आवश्यकता है तो आचार्य कहते नहीं पहले अपन ये विचार करेंगे कि इन दोनों सुख में उपादे कौन सा है जम तेसु परम जम तेसु मने तेसु मने उनमें परम मने जो उत्कृष्ट है तम नियम उसको तुम जानना उसको तुम जो उत्कृष्ट है उसको उपादेय जानना और उसके लिए अपना जीवन समर्पित करना हम वोट डाल हम वोट डालने जाते हैं तो वोट डालने की जल्दी करते हैं कि भाई तुम जिसके लिए वोट डालने जा रहे हो और जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो पहले ये तो विचार करो कि उससे अपना हित भी होगा कि नहीं होगा हम जिंदगी भर किसी पार्टी की सेवा करते रहें और हम समझे कि हमको टिकट मिल जाएगा कुछ हो जाएगा और बाद में वो हमको अंगूठा दिखा दे तो हमारे को ऐसा लगेगा हमने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो ऐसे ही जिस सुख के पीछे तुम अपना पूरा सर्वस्व समर्पण करने को तैयार हो पहले अपन ये विचार तो करें कि वो वास्तव में उपादेय भी है कि नहीं है कहीं ऐसा नहीं हो कि उस सुख के पीछे हम पूरी जिंदगी खोदे और अंत में पता चले वो तो सुख था ही नहीं तो हम पहले वोट डालने के पहले विचार करेंगे हम भागने के पहले विचार करेंगे कि हमें भागना योग्य है कि नहीं है इसलिए दो प्रकार की चीजें दो पार्टियां हैं लोक में भी पार्टी होती दो बीजेपी कांग्रेस इतना अंतर है कि यहां जो दो पार्टी है ये परस्पर में प्रतिपक्षी है एक का दूसरे से स्वरूप मिलता नहीं है लौकिक में तो बहुत कुछ मिल जाएगा क्योंकि उनके नाम ही विरुद्ध है यदि एक सुखरूप है तो दूसरी गारंटी से दुखरूप होगी यदि एक उपादेय है तो दूसरी है क्योंकि उनका स्वरूप परस्पर में विपरीत है प्रतिपक्षी है अब दो है ये कौन है दो दो पार्टियां हैं एक अत पार्टी है और एक इंद्रिय पार्टी है अब इन दो पार्टियों का चुनाव होगा अभी दो दिन अपन इसका चुनाव करेंगे चुनाव में क्या होता है अपनी अपनी पार्टी के लोग अपने अपने बारे में बोल के जाते हैं तो ऐसे ही यहाँ पर अमेरिकन स्टाइल में चुनाव होगा अमेरिका में क्या होता है अमेरिका में दो जने लड़ते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दो राष्ट्रपति लड़ते हैं बाकी जनता तो कुछ बाकी बाकी का कोई अस, मतलब बाकी जितने भी सीनेटर्स से जो है उनकी इतनी अहमियत नहीं होती मूल चुनाव होता है सीधे राष्ट्रपति का ऐसे यहाँ पर भी अपन सीधे राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे पार्टी दो है यहाँ पे एक तो है अत पार्टी और एक इंद्री पार्टी और दोनों ने अपने दो दो, दो मेंबर चुनाव में खड़े किए अतिंद्री पार्टी ने भी अपने दो मेंबर खड़े किए जिनके नाम हैं ज्ञान और सुख और इंद्री पार्टी ने भी दो मेंबर खड़े किए जिनके नाम हैं ज्ञान और सुख ये चार मेंबर हैं कितने मेंबर हैं चार अतिंद्री ज्ञान इंद्री ज्ञान मैंने अतिंद्री ज्ञान और इंद्री ज्ञान एक तो ज्ञान मतलब ज्ञान नाम के दो पार्टी के मेंबर हैं फिर है सुख में अतन्द्रीय सुख और इंद्रिय सुख पार्टी दो है अतिय और इंद्री और हर एक पार्टी के दो दो मेंबर हैं ज्ञान और सुख सबको अपनी अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा अतिय ज्ञान अपनी बात कहेगा कि मैं ऐसा हूं इंद्री ज्ञान है वो अपना स्वरूप बताएगा अतिय सुख है वो अपना स्वरूप बताएगा इंद्रिय सुख है वो अपना स्वरूप बताएगा निर्णय आपके ऊपर है क्या दो तरह के दुकानदार होते हैं एक दुकानदार के पास जाओ तो वो कहेगा माल ले लो बहुत बढ़िया है आप तो ले जाओ आप तो चिंता ही मत करो दूसरा दुकानदार कहेगा देखो बहन जी आप तो माल देखो आराम से लेने की कोई वो नहीं है आप तो देखो देखो ये इतनी अच्छी क्वालिटी का है भाव भी सस्ता है फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे आप ले आपको जच्चे तो पास में ले पास में से ले लो पास में डबल रेट पे है क्वालिटी भी बिल्कुल बेकार है फिर भी आपको जाना है इधर जाओ इधर जाओ तो ऐसे ही आचार्य देव हमसे ये नहीं कह रहे कि आप अत्यन्द्रीय ज्ञान और अत्यन्द्रीय सुख के लिए उद्यम करो हम तो ये बता रहे हैं कि दोनों का स्वरूप क्या है अब फिर भी तुम्हें यदि इंद्रिय ज्ञान और सुख के लिए दौड़ना है तो दौड़ लगाओ हमारा काम स्वरूप बताना है हम किसी को नियम नहीं दिला रहे हैं हम किसी को कोई चीज़ छुड़ाने की नहीं कह रहे हैं हम तो ये बता रहे हैं कि भाई इसका स्वरूप क्या है और इसका स्वरूप क्या है निर्णय आपके हाथों में छोड़ दिया कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी के सुख नहीं छुड़ा रहे लेकिन सुख का स्वरूप तो बताएंगे कि आखिर इंद्री ज्ञान ये अत्य्रीय सुख का स्वरूप क्या है वो कैसा है और इंद्री सुख कैसा है ये अत ज्ञान कैसा है और इंद्री ज्ञान कैसा है ख्याल तो आए आदमी को कि जिसके लिए मैं दौड़ लगा रहा हूँ वो क्या चीज़ है और जिस पे मैंने दृष्टि भी नहीं करी है वो वस्तु क्या है क्या सारा संसार जिस इंद्री ज्ञान के और इंद्रिय सुख के लिए दौड़ लगा रहा है आचार्य देव कहते हैं कि तुम पूरी जिंदगी उसके लिए दोगे और पंत में पता चलेगा कि उसमें कुछ सहार ही नहीं था तो कम से कम एक बार उसका पहले स्वरूप तो विचार करो और एक बार अत ज्ञान और सुख के भी स्वरूप का विचार करो कि वो क्या है दोनों का अपन कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे और यदि उसमें अपने को इंद्रिय ज्ञान रुचेगा इंद्रिय सुख रुचेगा तो हम कोई मना नहीं कर रहे खूब दौड़ो जिंदगी दे दो उसके लिए लेकिन जिंदगी देने के पहले एक बार उसके स्वरूप का विचार अवश्य करो क्या तो यहाँ पहले जैसे लौकिक में चुनाव होते हैं तो हर एक व्यक्ति अपनी अपनी पार्टी का अपनी बात तो पेले, पेले अपनी बात कहने आता है तो पहले सबसे पहले अपन मौका देंगे अतीन्द्रीय ज्ञान को अतिद्रीय ज्ञान अपनी बात कहेगा इस इस गाथा के बाद अगली जो गाथा है वो अतन्द्रीय ज्ञान की है एक गाथा में अतीन्द्रीय ज्ञान का वर्णन फिर अतीन्द्रीय ज्ञान के बाद में इंद्री ज्ञान आएगा गा गा अपनी बात कहने इंद्री ज्ञान चार गाथाओं में अपनी बात कहेगा फिर ये दोनों ज्ञान माने राष्ट्रपति दोनों अपने अपने राष्ट्रपति के दोनों कैंडिडेट चले गए बात कह के, के फिर उसके बाद में अत सुख आएगा वो अपनी बात कहेगा चार गाथाओं में अतिद्रिय सुख का वर्णन है और फिर अंत में छह गाथाओं में इंद्रिय सुख का वर्णन है इस प्रकार ये पूरी सत्रह गाथाओं में ये पूरा सुखाधिकार है और इसकी उत्थानी का आचार्य ने सबसे बढ़िया बांधी कि भाई ये चार चीज़ें हैं और इन चार चीज़ों में हमें हे और उपादे का विचार करना और इसमें यह कुछ नहीं कहा उन्होंने कि क्या है और क्या उपादे है ये तो आगे सब अपने आप जब स्वरूप खुलेगा तो अपने आप बुद्धिमान को समझ में आ जाएगी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर भी टीकाकार ने थोड़ा यहीं टीका में भी इसका स्वरूप खोला है कि कभी किसी को आखिरी तक सुनने की बात आखिरी तक जो है ना धीरज नहीं आदमी बीच में भग जाता है कभी कभी तो कोई यदि व्यक्ति बीच में ही चले जाए तो उसको कम से कम फिर भी टीका कार आचार्य ने उसको यहीं इंद्री ज्ञान और सुख का स्वरूप अत ज्ञान और इंद्री ज्ञान और अत ज्ञान इन दोनों का स्वरूप और इंद्रिय सुख और अतिय सुख का स्वरूप थोड़ा सा टीका में खोला है बाकी ये चीजें चार हैं क्या और इंद्री और अतिन्द्रीय ज्ञान तो अपने को समझ में आता होगा क्या है जो इंद्रियों के निमित्त से होता है वो इंद्री ज्ञान है और जो आत्मा के निमित्त से होता है स्वाधीन है वो क्या है अतिद्री है इंद्री और मन के निमित्त बिना हो वो अत है और इंद्रियों की अपेक्षा लिए हुए इंद्रियों की सहायता से जो ज्ञान और सुख बढ़ता है वो इंद्रियज है तो मूल गाथा में तो इतना ही है अब अपन को इसके अंदर देखो इसकी टीका यदि अपन चाहें तो पढ़ सकते हैं नहीं तो अपन इसकी टीका को छोड़ देते हैं अपन क्योंकि इसका पूरा विषय आगे की गाथाओं में आए आएगा ही आएगा क्या यदि फिर भी पढ़ना हो तो अपन पढ़ सकते हैं जैसा क्योंकि इसकी विषय इसके जो शब्द है वो थोड़े से शब्द थोड़े कठिन है भाव तो सरल है भाव में इतना कठिन नहीं है एक बार पढ़ लेता हूँ मैं सामान्य से ज़्यादा इसके ऊपर विस्तार से अपन व्याख्या अभी नहीं करेंगे देखो अनवय अब अनवयाथ पढ़ते पहले पदार्थ संबंधी ज्ञान मिला नहीं इसके नीचे भैया नीचे थोड़ा और नीचे अगला और नीचे और नीचे ये ना थोड़ा और ऊपर ले लो ताकि हिंदी अब हिंदी पढ़ेंगे बस नीचे नीचे मतलब ऊपर का मतलब मैं नीचे बस बस पदार्थ संबंधी ज्ञान अमूर्त या मूर्त है ना और अमूर्त का ही दूसरा नाम क्या है अत या इंद्री होता है और इसी प्रकार अमूर्त या मूर्त मूर्त अर्थात या इंद्री क्या होता है सुख होता है ठीक है चार चीजें हो गई पदार्थ संबंधी ज्ञान और सुख अत इंद्री इंद्री होता है उनमें जो प्रधान अर्थात उत्कृष्ट है वह क्या करना वह उपादेय रूप माने ग्रहण करने रूप जानना उसको तुम ग्रहण करने रूप जानना किसको जो प्रधान है जो उत्कृष्ट है जो उत्कृष्ट है उसको ग्रहण करने रूप जानना और जो अनुत्कृष्ट है उसको हे रूप छोड़ने रूप जानना टीका यहाँ ज्ञान तथा सुख दो प्रकार का है एक ज्ञान तथा सुख मूर्त और इंद्रियज है और दूसरा ज्ञान तथा सुख अमूर्त और अतिय स्पष्ट हो गया है। एक ज्ञान और सुख कौन सा है मूर्त और इंद्रियज है दूसरा ज्ञान और सुख कौन सा है अमूर्त और अतीन्द्रीय उसमें जो अमूर्त और अतीन्द्रीय है वह प्रधान होने से उपादेय रूप जाना ऐसे डिसीजन दे दिया आचार्य लेकिन इस डिसीजन को लेने के लिए जो इस इन दोनों का स्वरूप है वो आगे विस्तार से वर्णन करेंगे रिजल्ट तो एक्चुअल में आखिरी में आएगा लेकिन उन्होंने फिर भी कोई कोई यदि धीरता नहीं हो तो उसके पहले ही बता दिया कि इनमें यदि कोई प्रधान है उत्कृष्ट है तो वो कौन है अतींद्री है अमूर्त और अतीन्द्रीय है वह प्रधान होने से उपादेय रूप जानना अब देखो ये दोनों का थोड़ा सा कंपेरेटिव एनालिसिस किया यहाँ पर कि अमूर्त कैसा है और मूर्त कैसा है वहाँ पहला जो ज्ञान है और सुख है पहला मतलब पहला मूर्त लिया यहाँ पे पहला ज्ञान तथा सुख मूर्त रूप ऐसी छायोपमिक उपयोग शक्ति से उस उस प्रकार की इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होता हुआ पराधीन होने से कादाचित क्रमशः प्रवर्तमान प्रवर्त होने वाला सप्रतिपक्ष और हानि वृद्धि है इसलिए गौण है ऐसा समझकर वह वह है अर्थात छोड़ने योग्य है ये मूर्त की बात कर रहे हैं मूर्त और इंद्री जो है वो पहला लिया यहाँ पर टीका में वर्णन करेंगे जब आगे विषय का गाथाओं में तब अतरी को पहले लेंगे और इंद्री को बाद में लेंगे टीकाकार आचार्य ने पहले मूर्त और इंद्री की चर्चा पहले की है तो पहला जो ज्ञान और सुख है मैंने पहला ज्ञान मन मूर्त रूप इंद्री रूप मूर्त कहो इंद्री कहो एक ही बात है तो पहला ज्ञान और सुख मूर्त रूप ऐसी क्षय उपयोग शक्तियों से उस उस प्रकार की इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होता हुआ पराधीन होने से अभी कह रहे हैं जो ये इंद्री ज्ञान और इंद्री सुख है पहली बात तो ये कि यह पराधीन है और पराधीन है इसलिए अपने आप में दुख रूप है संसार में जब भी सुख वास्तविक मतलब वास्तविक सुख का हम खोज करेंगे अन्वेषण करेंगे तो वास्तविक सुख वही होगा जो क्या होगा स्वाधीन होगा सुख कभी भी पराधीन नहीं हो सकता जो पराधीन है वो अपने आप में स्वयं में दुख है पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं है क्योंकि पराधीनता स्वयं अपने आप में दुख स्वरूप है तो अब ये जो इंद्रिय सुख है या इंद्री ज्ञान है ये पराधीन है क्योंकि ये इंद्रियों के आधीन है इंद्रिय सुख होने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है सामग्री की आवश्यकता है तो वो सामग्री पर अवलंबित हुआ ना तो सामग्री नहीं होगी तो वो सुख नहीं होएगा, और तो सामग्री होगी तो भी वो उस पर अवलंबित होने से वो उसकी वियोग की चिंता से दुखी रहेगा जिस भी सामग्री को ये जीव भोग रहा है तो वो उसकी आकुलता तो उसके साथ में उसको बनी हुई है ना कि वस्तु का वियोग नहीं हो जाए क्या क्योंकि वो वस्तु पर के अधीन है पराधीन है स्वाधीन वस्तु में कोई विकल्प नहीं होता कोई वियोग का भय नहीं होता क्योंकि स्व कभी अपने से अलग नहीं होता लेकिन पर वस्तु जिसका संयोग हुआ है उसके वियोग का भय उसी समय से चलता रहता है और सुख इसलिए पहली बात तो एक कि सुख जब भी होगा वो कैसा होगा स्वाधीन होगा सुख कभी पराधीन नहीं होता जो पराधीन होता है वो सुख नहीं होता इंद्रिय जो सुख है वो पराधीन है क्योंकि वो उस उस इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होता है और उसमें क्षयोपम चाहिए क्षयोपकर्म उस 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 इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हम करते हैं जो सुख हम भोगते हैं तो तत्संबंधित क्षयोशम की अधीनता है आँख से देखने का जो सुख है उसके लिए द्रव्येंद्री आँख की आवश्यकता है और साथ में उतना ज्ञान का क्षयोपम होना आवश्यक है कि जिससे उस वस्तु को हम जान सकें वस्तु का होना भी आवश्यक है द्रव्येंद्री का होना आवश्यक है भावेंद्रीय अर्थात क्षयोपम का होना आवश्यक है तो ये ये उन सब की आवश्यकता है उसमें और दूसरी बात यह कि जो जिस इंद्री का विषय है वो उसी इंद्रियों से द्वारा जाना जा सकता है तो वो उस उस इंद्री के द्वारा ही उत्पन्न होता है मतलब हमें यदि शब्द का ज्ञान करना है तो ऐसा नहीं कि हमारे कान खराब हो रहे हो तो हम आंख से शब्दों का ज्ञान कर लें कर्ण इंद्री स्वस्थ होगी तो ही शब्दों का आनंद लिया जा सकता है आँख से जीवान से नाक से शब्दों को नहीं जान सकते हर एक इंद्री का एक एक विषय नियत है और एक इंद्री दूसरे इंद्री के विषय को जानने में असमर्थ है चक्षु इंद्री है वो रस को नहीं जान सकती यदि वो रस को जान सकती होती तो सारे हलवाइयों की दुकानें बंद हो जाती हलवाई दिखाने के लिए पूरा अच्छे से स्टोर के अंदर खूब बढ़िया से कांच के अच्छे उसमें बढ़िया शो के उसमें मिठाइयाँ रखता है देखे जितना देखना हो देखो लेकिन तुम्हें यदि रस का ज्ञान करना है तो उसके लिए तुमको उस चीज को जीवान से स्पर्श कराना पड़ेगा बिना जीवान से स्पर्श किए उस वस्तु के रस का ज्ञान नहीं हो सकता उसके अधीन है वो जिवा इंद्री के अधीन है जिव्वाइंद्री से भिड़ेगा विषय तो ज्ञान होगा क्या उसको मालूम है पक्के से इसलिए कोई डर नहीं है तुमको जितना देखना हो देखो लेकिन यदि तुम्हें इसका टेस्ट लेना है तो खरीदना पड़ेगा और यहां जीवान पर डालना पड़ेगा हर चीज हर इंद्री का विषय बिल्कुल नियत है मने रसनेन्द्री से के बिना उसके रस का ज्ञान नहीं लिया जा सकता ऐसे ही कपड़ा है कपड़े के अंदर यदि हमें स्पर्श को जानना है तो हमें उसको स्पर्श करना आवश्यक है बिना स्पर्श किए उसका चिकनापन रूखापन जाना नहीं जा सकता पीछे की कोई वस्तु है मैं उसका स्पर्श कर सकता हूं लेकिन उसका रूप क्या है उसके लिए चक्षु इंद्री की आवश्यकता है एक इंद्री दूसरे इंद्री का कार्य नहीं करती इसलिए इन्हें कहा जाता है इंद्री क्योंकि क्योंकि ये अहमिंद्र जैसा काम करती है जैसे अहमिंद्र सब स्वतंत्र होते हैं कोई किसी के अधीन नहीं होता ठीक उसी प्रकार ये इंद्रियां भी स्वतंत्र होती है एक इंद्री दूसरे इंद्री के विषय का कार्य नहीं करती ये बता रहे हैं कि कितनी इनमें मतलब एक इंद्री अपने ही विषय का काम करेगी तो हमें रूप जानना है तो हम हम रसने इंद्री के अधीन हैं रूप जानना है चक्षु इंद्री के अधीन हैं शब्द जानना है तो कर्ण इंद्री के अधीनता है तो इस प्रकार ये उस उस इंद्री के अधीन होने से क्या है पराधीन है और पराधीन होने से कादाचित के यकिंचित है ये इंद्रियाँ एक साथ पांचों को पांचों इंद्रियों के विषय एक साथ जानने में नहीं आते ये इंद्रियाँ एक साथ सबको ग्रहण नहीं करती पांचों इंद्रियों के विषय हम एक साथ ग्रहण नहीं करते इंद्रियों के विषय क्रम क्रम से ग्रहण होते हैं जिस समय हम रूप देख रहे होते हैं उस समय हम शब्द नहीं सुन रहे होते हैं जिस समय हम शब्द सुनते हैं उस समय रूप नहीं देखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम एक साथ टीवी देख रहे हैं तो सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं लेकिन उसमें क्रम पड़े बिना रहता नहीं इसके लिए आगे इसी में एक उदाहरण दिया है शायद आप लोगों को याद भी हो किसी को याद है क्या उदाहरण दिया है कौए की क्या? पुतली का उदाहरण दिया है कौए की दो गोलक होती है कौए की जो गोलक होती है ना दो दो गोले होते हैं और पुतली जो होती है वो कितनी होती है एक ही होती है तो वो पुतली जो है उन दो गोलों में बहुत तेजी से घूमती है इतनी तेजी से घूमती है कि हम यदि उसको देखेंगे कौए को तो हम हमारी आंखों से ये पता ही नहीं कर पाएंगे कि पुतली कब इधर से इधर आ गई जैसे हमारी आंख इधर से इधर आएगी तब तक पुतली उसके पहले उधर आ जाएगी इसलिए देखने वाले को ऐसा लगता है कि इसकी पुतलियाँ कितनी हैं दो हैं क्योंकि उन पुतलियों की स्पीड बहुत तेज है गोलक दो है दो गोले हैं दो छेद उन दो गोलों में एक ही पुतली दोनों गोलों में तेजी से क्या कर रही है घूम रही है और इतनी तेजी से घूम रही है कि देखने वाले को दो पुतलियां दिखती है एक पुतली नहीं दिखती है ऐसे ही हमारा जो उपयोग है वो उपयोग रूपी पुतली वो पांचों इंद्रियों में इतनी तेजी से घूमती है कि ऐसा लगता है कि वो उपयोग पांचों इंद्रियों में एक साथ है लेकिन वो एक इंद्री में ही है एक काल में अन्य इंद्री में उस काल में नहीं है तो एक, क्या हुआ उससे नुकसान प्रश्न हाँ इंद्रियों के उत्कृष्ट विषय वगैरह जो सार वगैरह हम बताएं तो जैसे स्पर्शन इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय तो कितना जानेगा तो वो नौ योजन दूर का जानता है रसना इंद्रिय का तो वो नौ योजन दूर का जानता है अब रसना इंद्रिय नौ योजन दूर का स्वाद जानती है तो स्पर्श तो हो नहीं रहा है तो वो स्वाद का ज्ञान किस प्रकार नहीं वो क्या है मति ज्ञान की इतनी सामर्थ्य होती है कि वो जो परमाणुओं का परस्पर में संबंध है ना तो उसके निमित्त से उनको बोध हो जाता है जैसे अवधि ज्ञान आदि का भी अवधि ज्ञान के द्वारा क्या होता है दूर स्थित पदार्थों की इतनी अतिशय सामर्थ्य होती है तो वो उसके निमित्त से वो जान लेते तो स्पष्ट नहीं होता है नहीं स्पष्ट तो कहां से होगा तो ही फैलाएंगे वार्तिक कार ने लिखा है उसको हाँ वार्तिक कार ने लिखा है बराबर है कि स्पृष्ट हुए बिना इन चार इंद्री के विषयों का बिना भिड़े बिना छुए ज्ञान नहीं और होगा और उसमें उन्होंने ऐसा भी लिखा हाँ कि सूक्ष्म हैं वो जुड़े हुए हैं वही मैंने कहा ना उसकी जो परंपरा है वो यहाँ से वहां तक से जुड़ी हुई होती है ना क्योंकि जितने परमाणु हैं ये पर, अभी गंध है गंध तो वहां है आपका कमल वहां खिल रहा है मुझे गंध यहां आ रही है तो उसके परमाणुओं का निकटतम संयोग जिनकी इंद्रियां अत्यधिक विषय को जानती है वे सूक्ष्मते सूक्ष्म पुद्गलों के भी रूप रस गंध वर्ण की परंपरा से उसको जान लेते हैं मतलब अभी जब बर्फ पड़ रहा है काश्मीर में तो यहाँ में टाइम लगता है तो, लेकिन यहाँ की पर यहाँ कोई ऐसा इंद्रिय ज्ञान वाला व्यक्ति हो तो वो महसूस कर सकता है कोई सूक्ष्म ज्ञान जिसका होगा वो अनुभूत कर लेकिन उस जाति का ज्ञान का क्षयपम चाहिए उस जाति के ज्ञान के क्षय उसी जीव को होता है जिसके की मतलब अत्यधिक होती क्योंकि वो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उत्कृष्ट विषय चक्रवर्ती वगैरह चक्रवर्ती के भी, होती के, होती के, होती के।, के भी जानने का आता है तो चक्रवर्ती भी पूर्व भाव में उसने आत्म आराधना की होती उसके निमित्त से उसको उस पर्याय में इतने ज्ञान का उगाड़ होता है बिना आत्मा की आराधना के ऐसा ज्ञान खुलता नहीं परंतु वहां भी वो स्पष्ट तो है सूक्ष्म रूप से नहीं, तो वो है, फिर भी देखो कोई चीज किसी के ज्ञान का इतना वो होता है तो वो उसके जो है दूर स्थित पदार्थों के स्पर्श आदि को भी जानने में समझ ले ज्ञान सब इंद्रिय ज्ञान ही है तो पुतली की अपन बात करें तो पुतली दोनों तेरह तेजी से घूम रही है अब इसमें नुकसान क्या है यदि यदि घूमे यदि एक एक करके भी इंद्रियों का ज्ञान हो तो क्या नुकसान कि नुकसान इसमें यह है सबसे बड़ा कि जिस काल में जीव एक विषय को जानता है उसी काल में उसको अन्य चार इंद्रियों के विषय जानने को मिलते नहीं है लेकिन उनको उसको जानने की लालसा बनी रहती है तो वो जो लालसा है उसकी उस तो लालसा के कारण वो उस एक विषय को छोड़कर अन्य विषय में झपट्टा मारता है फिर जब वो उसको उसमें जाता है तब उसके अन्य इंद्री के विषय दूसरी इंद्री का विषय छूट जाता है तो फिर वो उसमें झपट्टा मारता है मन एक, एक इंद्री के विषय को जानने पर अन्य चार इंद्री के विषय नहीं जानने का दुख उसको निरंतर बना लेता है जैसे किसी बच्चे को अपन ने बहुत सारे खिलौने दिए अब उसके हाथ में कितने खिलौने आएंगे दो ही आएंगे ना वो खिलौने वहाँ पे बहुत सारे हैं अब वो क्या कर रहा है कि उसने दो हाथ में खिलौने उठा लिए दो खिलौने अब बाकी दूसरे बच्चे आए तो उन्होंने दो खिलौने उठा लिए तो उसने कहा तू मेरे खिलौने नहीं उठाएगा तो क्या करूँगा क्या करेगा लोड़े नहीं उठाएगा तो तू क्या करेगा तो उसने अपने दो खिलौने छोड़े और उसके दो खिलौने उसके हाथ से छीन लिए तो उसने कहा कोई बात नहीं उसने उसके जो दो खिलौने उसने छोड़े थे वो पकड़ लिए फिर वो उससे लड़के के क्या किया फिर मैं तेरे फिर उसने वो दो ने अपने छोड़ के उसके दो पकड़ लिए तो तेरे हाथ में हमेशा रहेंगे तो वो दो ही रहेंगे ना बाकी आठ ने तो तेरे बाहर ही रहेंगे तो अब जो यदि तू दो का सुख भोगेगा तो बाकी जो मतलब एक इंद्री के जानने का यदि सुख भोगेगा तो चार इंद्री के नहीं जानने का दुख भी उसी समय भोगेगा और क्या करता है जब ये कि इसको तो समस्त इंद्रियों के विषय एक साथ जानने की ल, ल, लालसा है तो ये क्या करता है कि एक इंद्री का विषय छोड़कर दूसरे में झपट्टा मारता है फिर जब दूसरे में झपट्टा मारता है तो पहली इंद्री का विषय छूट जाता है तो फिर ये पहली में जाता है जब पहली में जाता है तो दूसरा विषय छूट जाता है ऐसे निरंतर ये विषयों में झपट्टा ही मारता रहता है और कभी भी इसको पाँचों इंद्रियों के विषय एक साथ जानने को मिलते ही नहीं है क्योंकि इंद्रियों की शक्ति पाँचों इंद्रियों के विषय एक साथ जानने की नहीं है समझ में आई बात तो ये इंद्रिय ज्ञान इसलिए अपने आप में स्वभाव से ही दुखी है क्योंकि उसकी इच्छा तो समस्त इंद्रिय के विषयों को एक साथ ग्रहण करने की है और शक्ति एक काल में एक को ग्रहण करने की शक्ति है इतनी और इच्छा है सबको ग्रहण करने की तो इसलिए वो अंतरंग में शुद्ध होता है आकुलित होता है दुखी होता है क्या इंद्रिय हमको सब भोग एक साथ भोगना है हमको खाना भी खाना है साथ में टीवी भी देखना है उसी समय हमें गाना भी सुनना है उसी समय हमको अच्छा बढ़िया एयर कंडीशन का भी लाभ लेना है और उसी समय हमें परफ्यूम की महक भी सुननी अब ये इंद्रियां जो समय, है ये पांचों इंद्रियों उस, के उस समय जो दूसरी इंद्रियों का क्षोभम वो क्या करता है जैसे हम गं, हम गंद ले हम गंद ले रहे तो अभी वो ग्रहणेन्द्रिय का विषय है वो ग्रहणेन्द्रिय ग्रंथ लेगी उस समय क्षयोपम तो स्पर्शन इंद्रिय का भी है चल ही रहा है उसके वो क्षयोक्षम करता क्या है क्षयोक्षम बैठा रहता है उपयोग एक काल में एक ही विषय का चलता है उपयोग जो है ना दो चीजें उप क्षयोक्षम लब्धि और उपयोग तो लब्धि रूप से वो ज्ञान है पांचों जैसे अभी हमारे को अनेक भाषाओं का ज्ञान है लेकिन इस काल में हम जिस भाषा को बोल रहे हैं उसका ही उपयोग चल रहा है तो ऐसे जिस काल में जिस विषय को जान रहे है जिस इंद्रिय विषय को जान रहे वर्तमान में उसी इंद्री के विषय का उपयोग है और बाकी चार इंद्रियों का है। उसको ऐसा नहीं कर सकते जैसे गंध है गंध के जो भी स्कंध है गंध के स्कंधों में स्पर्श भी है रस भी है नहीं, गंध नहीं। भी और वर्ण भी है वो अखंड रूप से बराबर है ऐसे हाँ। तो वो जो है वो जो हम कुछ चीज चक हैं तो उसमें भी सब कुछ है लेकिन हाँ। हम जिस विषय से वो चीज भोग रहे हैं हमारा उपयोग वर्तमान में उसी विषय पे अन्य विषय उस समय में गौण है गंध ले रहे हैं तो गंध ले रहे हैं ना हमें उस समय उसके रूप का बोध है ना उसके शब्द का बोध है न स्पर्श का बोध है न रस का बोध है हम... से जब अग्नि देखते हैं हम्म तब तो उनको अग्नि का ज्ञान होता, होता है रूप का ज्ञान होता है हमें रूप का क्योंकि हम एक, एक इंद्रिय से एक ही विषय को माने उसके एक ही गुण को ग्रहण करते हैं जिस समय हम रूप का ज्ञान कर रहे हैं उस समय स्पर्श का ज्ञान है कि नहीं उसकी उष्णता का नहीं उष्णता दूर से देख रहे हम तो नहीं हो तो इस पृष्ठ का कोई ज्ञान नहीं है। हमें केवल रूप का ज्ञान है पदार्थ के एक ही गुण का ग्रहण करते हैं हम यदि हम उसको संपूर्ण यदि वो एक गुण और गुणी में यदि भेद नहीं होता तो उस गुण का ग्रहण करने से संपूर्ण गुणी का ग्रहण होना आवश्यक होता लेकिन हमने आंख से रूप ग्रहण किया जैसे हम बाजार में कपड़ा देखने गए तो हमने कपड़े के रूप को तो देखा लेकिन संपूर्ण कपड़े को ग्रहण नहीं किया स्पर्श रस और उसके जो गंध है उसका ग्रहण नहीं हुआ यदि वो गुण और गुणी यदि एक गुण और गुणी में सर्वथा वेद होता तो गुण को ग्रहण करने से वस्तु का भी ग्रहण हो जाना चाहिए लेकिन हमने आँख से रूप तो जाना लेकिन उसके स्पर्श रस गंध को नहीं जाना चक्षु इंद्री से हमने मिठाई के रूप को देखा लेकिन उसके रस को नहीं जाना न स्पर्श को जाना वो ठंडी है कि गर्म है ये भी नहीं पता चलता हमको जो उसकी हलवाई की जो भी सजी हुई रहती है दुकान में उससे ना उसके स्पर्श का पता चलता है ना उसके रस का पता चलता है ना उसकी गंध का पता चलता है तो इसलिए वो तो वो तो अब बात तो अपन ये कह रहे थे कि ये इंद्रिया चूँकि एक काल में समस्त विषयों को नहीं जान पाती इससे वे क्षुभ्ध और आकुलित बनी रहती है और निरंतर उनका दौड़ निरंतर वो एक विषय को छोड़कर वो दूसरे विषय की ओर भागती रहती है क्योंकि उसकी इच्छा ये है कि मैं सबको जानूं और जान पा रही है एक काल में एक को तो वो क्या करेगी कि वो चेंज करेगी विषय को जब उसमें भी उसको वो विषय चेंज करते ही पहला विषय छूटता है तो पुनः वो पहले विषय की ओर भागती है जब वो पहले की ओर भागती है, तो दूसरा छूटता है ऐसे निरंतर जीवन पर्यंत हम पांचों इंद्रियों के विषयों में झपट्टा मारते रहते हैं और हमें शांति की अनुभूति एक समय भी नहीं होती अब बुद्धिपूर्वक क्या बुद्धिपूर्वक की आकुलता है हमारी इच्छा ही ऐसी है हमारे अंतर मतलब बुद्धिपूर्वक मतलब हमारे ख्याल में भी आता है कि हमें इन इंद्रियों के विषयों ग्रहण करने की जो आकुलता है उसको हम अपनी दृष्ट अपन यदि उसको विचार करें तो हमें वो अनुभूत भी होती है ये इंद्रिय विषय ग्रहण करने की जो आकुलता है वो हमारे ज्ञान का विषय बनती है कि हमें ये इच्छा है अब हमें ये इच्छा है अब हमें ये इच्छा है एकदम किसी एक समय में जो इंद्री का विषय बदल रहा है उस समय हमें एकदम तत्काल ख्याल में नहीं आए लेकिन मोटे रूप में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें पांच इंद्री के विषय ग्रहण करने की इच्छा होने से आकुलता है तत्काल तो इंद्री विषय बदलता है तत्काल ख्याल में नहीं आता है लेकिन मोटे मोटे रूप में ख्याल में आता है कि ये जो है पंच के विषय ग्रहण करने की अच्छा आकुलता चित्त को बनी हुई है अभी हमारी खाने की इच्छा पूरी हो गई अब देखने की इच्छा है अब सुनने की इच्छा है अब सूंघने की इच्छा है इसलिए इंद्रिय विषय ग्रहण करने की आकुलता है इसलिए तो इंद्रिय ज्ञान को दुखरूप कहा है आकुलता रूप कहा है चाहे वो इंद्र, इंद्र इंद्र का भी ज्ञान हो लेकिन जब तक वो ज्ञान इंद्री ज्ञान है तब तक वो दुखरूप ही सुखरूप केवल अत्य ज्ञान होता है इंद्री ज्ञान कभी सुखरूप होता ही नहीं इस पूरे प्रवचन साल में इंद्रीय ज्ञान की धज्जियाँ उड़ाई हुई है नाम है उसका इंद्री ज्ञान लेकिन उसका वास्तविक नाम है इंद्रिय ज्ञान मिट्टी बलित अधिकार <laughs> क्या इंद्रिय सुख अधिकार अब इंद्रिय सुख चैप्टर होगा तो किसी को क्या लगेगा कि इंद्रिय सुख के बहुत गुण गुण गाएंगे गीत गाएंगे कि इंद्रिय सुख बहुत अच्छा है समझ लो अपने को कोर्स में कोई चैप्टर हो महात्मा गांधी का तो हम क्या विचार करके बैठेंगे कि इसमें महात्मा गांधी के गीत गाए गाये गायेंगे तो महात्मा गांधी के नाम का चैप्टर होगा तो क्या होगा महात्मा गांधी की स्तुति गई होगी ना ऐसे इंद्रिय सुख अधिकार में किसकी चर्चा होगी इंद्रिय सुख की महिमा की लेकिन वो इंद्रिय सुख की महिमा नहीं बता रहे बल्कि इंद्रिय सुख को हे बता रहे इंद्रिय ज्ञान अधिकार अब इंद्रिय ज्ञान में किसकी तो इंद्रिय ज्ञान किस प्रकार से दुखरूप है पराधीन है ये सिद्ध किया उसके अंदर देखो एक ही शब्द हुआ भी अपना उस-उस द्वारा उत्पन्न होता हुआ वो क्या है ये कोई नित्य रहने वाला नहीं ये तो निरंतर बदलता है और यू भी देखो तो एक पर्याय संबंधी सीमित है ये पंचेन्द्र का ज्ञान भी सदाकाल नहीं रहता मोक्षवाण प्रकाशक में एक पंक्ति आती है यदि ये साता सुख भी सदाकाल रहता हो तो हम कदाचित इसको भी उपादेय मान लें कदाचित किस अपेक्षा से कि भाई ये चलो है आदमी को पाप का उदय नहीं है पुण्य का उदय भी सदा काल रहे तो वो दशा भी हम इष्ट मान ले। लेकिन वो दशा भी सदाकाल रहती नहीं ना पांच इंद्रिया भी इस जीव को सदाकाल कहाँ रहती है पांच इंद्रियों में रहने का काल तो बहुत थोड़ा है और एकेंद्रीय पर्याय में रहने का काल अनंत गुना है पंच कितने दिन रह लेंगे हम सोचते हैं हमको कोई तकलीफ नहीं है थोड़ी बहुत जैसा है इंद्री ज्ञान ही इसकी इंद्री ज्ञान में पंडित जी जितना है अब ठीक है उतने तो भोग भोग ले तो काय के लिए छुड़ा रहे हो हमारे थोड़ा बहुत खाना पीना खा रहे हैं कौन सा ज़्यादा खा रहे हैं है। थोड़ा इंद्रियों से जान रहे हैं इंद्री ज्ञान में भी तुम उसमें भी पीछे पड़ गए इंद्री ज्ञान और सुख तो क्या हमको भगवान ने इंद्रिया दी है भगवान ने ज्ञान दिया है भगवान को भोग रहे हैं अब उस इंद्री ज्ञान और सुख में भोगने में क्या दिक्कत है अधिकांश लोगों को तो लगता है कि भाई हम अपने न्यायोपार्जित भोग भोग रहे हैं उसमें हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं हम अन्याय कर क्या रहे हैं हमने किसी की दूसरे का धन नहीं छुड़ाया किसी दूसरे परिस्थिति का हरण नहीं किया अपनी जेब का पैसा अपनी न्यायोपार्जित जो आजीविका कमाई है और हमने जिससे विधि पूर्वक विवाह किया है हम तो वही पंचेंद्री के विषय भोग रहे हैं ना अब तुम उसमें भी लटने के पीछे पड़ गए हमारे अब हम ये सहन नहीं करेंगे ये तो भोग लेना दो हमको अब ये भी दुखरूप है हे, हे। कि नहीं जो वस्तु स्वरूप है वो ये है क्या जिस सुख को तुम जिसकी तुम की जिस जिसको तुम कह रहे हो कि ये न्याय रूप सुख है अध्यात्म तो कह रहा है कि इससे भी उत्कृष्ट सुख कोई और है क्या और ये भी पराधीन होने से अन्याय रूप ही है क्योंकि ये पर अधीन है ना ये भी कौन सा स्वाशित सुख है स्वाधीन है देखो एक इस समय सारजी में गाथा है कि वो अपराधी है जो पर वस्तु को अपनाता है वो अपराधी है सापराध है सापराध और निरपराध की दो गाथाएं हैं कि भाई जो भी पर वस्तु को अपनाएगा वो निरंतर सशंकित रहेगा वो चोर है तो तुमने इंद्रियों को अपनाया इंद्रियां तो पर वस्तु है तो शशंकित रहोगे क्यों क्योंकि वो पर वस्तु होने से उसके जाने का निरंतर भय रहेगा इसलिए पंचेंद्रीय सदा काल कहां रहती है पंचेंद्री पना तो आज है संगी है जब तक मन भी है लेकिन ये पंचेंद्री और संगी पना भी सदा काल नहीं रहता है तरस तो पर्याय में रहने का काल कितना है दो हजार सागरों कुछ अधिक दो हजार दो हजार सागर और केंद्रीय पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल अनंत समय हो गया अपना एक सेकंड में पूरा करता हूं कितना काल है असंख्यात पुद्गल परावर्तन और एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवे भाग में अनंत सागर होते हैं एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवे भाग में अनंत सागर है और ऐसे असंख्यात पुद्गल परावर्तन एक इंद्री पर्याय में परिभ्रमण का उत्कृष्ट काल है तो इसलिए तुम विचार करो रोहम ने त्रस में तो दो इंद्री भी आ गई तीन इंद्री भी चार इंद्री भी असंगी भी नारकी की पर्याय भी आई है इसलिए ये जो साताजन्य अवस्था भी हमें मिली है इस पर्याय में रहने का काल अधिक नहीं है यह पर्याय इसलिए मिली है ये इंद्रिया इसलिए मिली है कि इन इंद्रियों की पराधीनता से छूट कर और स्वाधीन और स्वतंत्र ज्ञान और सुख को प्राप्त कर ठीक है बाकी चर्चा अपन इसके बाद में करेंगे यहां तक अपना हो गया कादाचित तक इसकी चर्चा बीच में प्रश्न पूछ सकते कोई दिक्कत नहीं प्रश्न तो आप एक ही क्यों सभी पूछ सकते हैं नहीं, नहीं, हमारी सेशन नहीं अलग बस इतना है कि वो कभी वा... कभी क्या होता है विषय में एकदम दिमाग से निकल जाता है कि क्या फ्लो मतलब जो बात बोलना चाह रहे होते हैं ना कभी कभी दिमाग से छूट जाती है और कभी कभी दिमाग में याद रह भी जाती है